हेलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मींस करंट और मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। सिंपल, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। हम लोग मैग्नेट देखे हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है, अगर हम उसमें कुछ आयरन या कुछ भी उसमें स्टिक करते हैं, उसके पास लेकर आते हैं, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, बहुत कुछ को अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना इफ़ेक्ट्स है, किस वजह से, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि करंट की वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरा ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, राइट। सो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ऑस्टर थे, क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर। ठीक है, वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किए कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, चलो देखते हैं। व्हेन सफिशिएंट करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर ए बी, यहाँ एक वायर है ए और बी, ठीक है, ये वायर हम लोग कनेक्ट किए हैं, यहाँ बैटरी कनेक्ट किए हैं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन सफिशिएंट करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर ए बी प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट डायरेक्टली बिलो एंड क्लोज टू द वायर, द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। यहाँ पर हम एक ये रखे हैं, नीडल रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक नीडल रखे हैं और ये इधर से वायर है, तो जैसे वायर जो है वो पास होता है, वायर में करंट पास होता है, तो नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, मीन्स अगर ऐसे नीडल है तो इस तरह से मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये देखा गया। उसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल वॉज फाउंड टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये क्या किया कि जब डिफ्लेक्शन, ये जो नीडल है ये ऐसे घूम रहा था, इधर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर क्या किए कि करंट का डायरेक्शन को क्या किया हम लोग, चेंज कर दिए, है ना। अब करंट अभी कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे ही आया। करंट डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, करंट का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दिए, और करंट का डायरेक्शन को चेंज किए, कैसे चेंज किए, बैटरी का पोलैरिटी को चेंज कर दिए, यहाँ निगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव पहले लगा दिए, ठीक है, जिस तरह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रहा था, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल चेंज विद द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो गया अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को चेंज कर दिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। पहले कम इलेक्ट्रिक करंट पास किए थे तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ था, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो ऐसे हुआ, मीन्स थोड़ा जल्दी से हुआ, मतलब चेंज हो गया, है ना, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जल्दी में चेंज हुआ, तो इस तरह का फेनोमेना हमको देखने को मिला। ठीक है, तो दिस ऑब्जर्वेशन लेड ऑस्टर टू इंटरप्रेट दैट देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑस्टर ये इंटरप्रेट किए कि कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, वायर मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है, किसके वजह से, करंट की वजह से, विच डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल। जो मैग्नेटिक नीडल, एक नीडल है ना, वो मैग्नेटिक टाइप में है, वो मैग्नेटिक नीडल है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, वो ऐसे हिल जा रहा है, वो तो अपने चुपचाप रखा हुआ है और करंट उसके ऊपर से थोड़ी दूर से उसको पास कर रहा है, तो नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, कुछ तो करंट में कुछ इफेक्ट होगा, तभी तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। सो ही कंक्लूडेड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये कंक्लूडेड किए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई भी कंडक्टर में, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ, इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के आसपास। तो इन अदर वर्ड्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। तो ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। तो कंक्लूजन हमको क्या मिला, पहला कंक्लूजन है कि जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह से मैग्नेटिक नीडल को रख दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिए, करंट को ऐसे पास कर दिए, सॉरी मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रख देते हैं और करंट को क्या करते हैं, ऐसे पास करते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे था, ये ऐसे घूम गया इतने एंगल में, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ गया। और जब करंट का डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक करंट ऐसे मैग्नेटिक नीडल इधर घूम जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन इधर आ जाता है उसका, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि अगर मैग्नेटिक नीडल को कुछ दूर पे रखते हैं और उधर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो वो मैग्नेटिक नीडल में लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया, सेकंड क्या था, अगर करंट का हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिक का डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। एंड थर्ड क्या है, जो स्ट्रेंथ है करंट का, स्ट्रेंथ मीन्स करंट हम कितना ज़्यादा पास कर रहे हैं उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और कम करंट पास कर रहे हैं तो कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये तीनों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब भी कोई वायर से करंट फ्लो करता है, ठीक है, ये वायर है, वायर से करंट फ्लो करता है तो आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि जब करंट फ्लो करता है वायर में तो आसपास क्या होता है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उस कंडक्टर के अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है फिर बायो सावर्ट लॉ, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।